हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सोमवार की अष्टमी के दिन पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय जो आपको केवल और केवल सोमवार की अष्टमी को करना है। जैसा कि सभी को पता है इस बार 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी है और ये जो अष्टमी है साल की अंतिम अष्टमी है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा तो भूल कर भी हाथ पे हाथ धर कर ना बैठे, इस उपाय को अवश्य करें। ये उपाय आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। स्वयं शिवजी का वरदान प्राप्त होता है जब आप ये उपाय करती हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एक एक बातों को ध्यान से सुने और नोट करते चलें ताकि आप कोई भी गलती ना करें। ध्यान रहे कोई भी उपाय करें गलती बिल्कुल ना करें। जाने अनजाने में हुई गलती क्षमा हो सकती है परंतु जानबूझकर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अद्भुत ही संयोग इस बार देखने को मिल रहा है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो ऐसा मौका आपको शायद ही कभी भविष्य में देखने को मिले। तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य ही करें, ऐसे मौके को हाथ से ना छोड़ें। देखिए आपको करना क्या है। गुरुजी कहते हैं कि आप एक धतूरा लें, और धतूरा कैसा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी धतूरा आप उठा लाए, नहीं दोस्तों, आपको एक धतूरा लेना है और ऐसा धतूरा लेना है जो धतूरे की डंडी होती है, जो नीचे की तरफ डंडी होती है, वो लाल कलर की होनी चाहिए। ध्यान रहे धतूरे के नीचे की डंडी है वो लाल कलर की होनी चाहिए, वही धतूरा लेना है। और अष्टमी तिथि यानी कि 10 जुलाई को अष्टमी तिथि है, सावन का पहला सोमवार है। इस दिन आपको शिवलिंग पे जाकर इस धतूरे को समर्पित कर देना है और अपनी इच्छा को बोल देना है। दोस्तों जो व्यक्ति अष्टमी तिथि के दिन धतूरा शिवलिंग पे समर्पित करता है, ऐसे घरों में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है। परंतु ध्यान रहे डंडी का लाल रंग का होना ही जरूरी है, यानी कि जो धतूरे की डंडी है वो लाल रंग की हो तभी आपको ये धतूरा समर्पित करना है, तभी आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों धतूरा समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। साथ ही एक और उपाय मैं आपको धतूरे से जुड़ा हुआ बताती हूँ जो कि गुरुजी के द्वारा ही बताया गया है। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 5 धतूरे लेने हैं। 5 धतूरे ना मिले तो 3 धतूरे भी आप ले सकते हैं, और ऐसे मंदिर चले जाइए जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ ना हो, यानी कि लोग वहां पूजा करने जाते हों परंतु कम संख्या में जानते हों, यानी कि एकांतेश्वर महादेव हो, जहां पर एकांत में बैठे हुए, जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही ना के बराबर हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है और वहां जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। शिव जी के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और फिर जो धतूरे हैं वे धतूरे एकांतेश्वर महादेव को समर्पित कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जो लोग भारी बीमारी से परेशान हैं, जिनके रोग ठीक ही नहीं हो रहे, बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, दवाइयां बंद ही नहीं हो रही हैं, तो ऐसा आपको करना है। देखिए 5 धतूरे ना मिले तो 3 धतूरे ले जाएं, पर ध्यान रहे धतूरे ही आपको समर्पित करने हैं, और ये धतूरे आप बिना लाल डंडी के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लाल डंडी वाले धतूरे ना मिले तो भी आप बिना लाल डंडी के धतूरे लेकर समर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी रोग बीमारी ठीक हो जाएंगी और दवाइयां धीरे धीरे करके बंद होती जाएंगी, और एक दिन आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। उम्मीद है धतूरे से जुड़ा सोमवार अष्टमी का उपाय बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको 2 उपाय बताए, पहला धन से जुड़ी समस्या को दूर करने का, दूसरा रोग बीमारी से जुड़ी समस्या को दूर करने का। दोनों ही उपाय आप लोगों के लिए लाभदायक हैं और दोनों ही उपाय करके आप अपने जीवन में इन उपायों का लाभ प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी मैं उपाय बताती हूँ सारे के सारे उपाय गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय होते हैं जिनका लाभ प्राप्त अवश्य ही आप करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख के जाया करें जिससे कि आपके मुख से भगवान शिव का स्मरण हो जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।